फाइनली आप लोग के सबसे ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों के कई दिनों से लगातार कमेंट देखने को मिल रहे थे कि सर BHU का जो सब्जेक्ट प्रिफरेंस ऑर्डर का अपग्रेडेशन मेथड है वो कैसे अप्लाई हो रहा है। और कुछ कमेंट्स पढ़ के तो मुझे लगा कि भाई अब तो वीडियो बनाना ही चाहिए, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। जैसे कि मुझे 7वां प्रिफरेंस मिला और सेकेंड राउंड में मुझे 6ठा प्रिफरेंस मिला, लेकिन अब मुझे फिर से 7वां चूज करना है, तो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ बच्चों के ऐसे थे कि सर वो 3rd राउंड आया है और उसमें मेरा कोई सब्जेक्ट शो नहीं कर रहा है, जबकि मैंने 1st में किया था पेमेंट तो 2nd में अपग्रेड करके शो कर रहा है ऐसा। और 3rd कि सर ये पूरा प्रोसेस समझा दीजिए कि फाइनली न्यू एडमिशन पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशन बेसिस पे अपग्रेडेशन मेथड कैसे काम करता है। और जहां तक मुझे लग रहा है ये वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको वीडियो बनाने से पहले अपग्रेडेशन मेथड पता होना चाहिए भाई। 2022 से 2023 का जो ये पूरा प्रोसेस है, कौन सा अपग्रेडेशन का या पूरे एडमिशन का, ये पूरा चेंज है। पहले आपके मार्क्स बेसिस पे डायरेक्टली एज अ कॉमन प्लेटफॉर्म पे पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन दिया जाता था, इस बार ऐसा नहीं है। आप देख रहे हो कि इस बार ऑनर्स बेसिस पे सब्जेक्ट्स अलॉटमेंट किया जा रहा है। खैर ये मेरे लिए क्वेश्चनिंग है एडमिशन कमेटी से, मुझे नहीं लगता था कि ऐसा इनको करना चाहिए था। कभी मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या लगता है इसमें, इस पर अलग से कभी वीडियो बनाऊंगा जब इन्हें क्रिटिसाइज करना होगा, जब इनकी कमियां बतानी होंगी तब। लेकिन अभी आज तो हम लोग समाधान की बात करेंगे। आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन बार बार आ रहे थे कि सर प्लीज थोड़ा एक बार अपग्रेडेशन मेथड को समझा दीजिए। जो अच्छे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसा चैनल यूट्यूब पे बहुत रेयरली मिलेगा जो इतने ग्राउंड लेवल पे, इतने ऑफिशियल और अनऑफिशियल लेवल पे एनालाइज करके वीडियो आप तक पहुंचाता है। और लगभग 4-5 टॉप यूनिवर्सिटीज हम लोग कवर करते हैं, प्रिपरेशन भी कराते हैं। और हाँ, मैं देख रहा था बहुत सारे इंस्टीट्यूट और चैनल्स लाइक कोचिंग प्लेटफॉर्म के रिजल्ट्स पब्लिश हो रहे हैं, मेरे अभी नहीं हो रहे, क्योंकि मेरा फोकस अभी बच्चों के एडमिशन दिलाने में है, नॉट टू पब्लिश रिजल्ट। कौन कितना सिलेक्शन दिया ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं पब्लिश कर रहे हैं, पोस्ट नहीं डाल रहे हैं तो नथिंग वी हैव। भाई अभी समय आएगा उसका भी, टॉपर स्टॉक इंटरव्यू और पोस्टर्स मेकिंग पे हम लोग भी आ जाएंगे, लेकिन फाइनली एक समय में आदमी को एक जगह फोकस करना है ना भाई। हम नहीं चाहते कि आप डाइवर्ट हो जाओ, क्योंकि अभी ये सेंसिटिव टाइम है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल टाइम है। इस समय मुझे लगता है कि आपका साथ देना ज्यादा जरूरी है टू मेक अदर वर्क्स लाइक टू मेक पोस्टर्स एंड पब्लिश बैनर समथिंग। ठीक है, सबका अपना अपना चॉइस है। और अभी मैं अपग्रेडेशन पे बात कर लेता हूँ। सबसे पहले देखो, न्यू अपग्रेडेशन रूल का जो मैंने लिखा है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन का आंसर तो एकदम कॉमन है, अपग्रेडेशन टू अपग्रेड नॉट लाइक डीग्रेड, वर्ड्स में ही छुपा हुआ है। न्यू अपग्रेडेशन रूल में आप इस वाले लाइन को पढ़ो, अपग्रेड मतलब ये मस्ट है कि अप होगा, नॉट डीग्रेड होगा, हमेशा अप होगा। जैसे जैसे राउंड्स आएंगे अप होगा, तो क्या बैक जा सकते हैं? कांट बी बैक, आपको कभी भी बैक जाने का मौका नहीं मिल सकता है। जब भी ये होगा अप होगा, कभी भी डी नहीं होगा, तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चे का यहाँ पे प्रिफरेंस ऑर्डर है जो कि 7th नंबर पे सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, ये बच्चा 7th नंबर पे सेलेक्ट हो चुका है, मतलब 7वां नंबर पे पहले ही प्रिफरेंस में इसको मिल गया। अब इस पूरे मेथड को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, देखो राउंड फर्स्ट, ठीक है, राउंड फर्स्ट में कौन सा प्रिफरेंस मिला? 7 मिला। राउंड 2 में इनको मिल गया 6। राउंड 3rd में ये रह गया ब्लैंक। ऐसा है, ऐसा बहुत सारे लोग के साथ हुआ होगा। ये क्यों ऐसा हुआ इसको समझो भाई। 7वां में पहला अलॉटमेंट गया था, मतलब फर्स्ट राउंड में 7वां मिला पहला अलॉटमेंट था। सेकंड अलॉटमेंट में बहुत सारे बच्चे जो है वो पहले राउंड में पेमेंट नहीं किए। ये पूरा डेटा मैं दूंगा, कितने लोग पेमेंट नहीं किए, कितने लोग पेमेंट नहीं किए। तो अब भाई जाहिर सी बात है कि ये अपग्रेड हो सकता था। अपग्रेड हुआ ना 7 से 6 हुआ, मतलब ऊपर गया है, 7वां से 6ठा ऊपर गया। देखो ये यहां पे, ठीक है, अपग्रेड हुआ है। अब 3rd में जाहिर सी बात है कि ये जो अलॉटमेंट है ये इन बच्चों के मार्क्स के कंपैरिजन में कम नंबर वाले बच्चों को अलॉटमेंट आ रहा है। तो ऐसे में मे बी इन मार्क्स पे जो सीट दी गई है
उस मार्क्स पे कोई बच्चा ना सीट छोड़ा और ना ही इस कट ऑफ में आया, जिसकी वजह से थर्ड राउंड में एज इट इज आपका रह गया वो प्रेफरेंस। बच्चों का डाउट ये है कि सर सेकंड में जब गया था तो सेम सब्जेक्ट हमें अपग्रेड करके दिखाया गया था, भले सब्जेक्ट नहीं चेंज हुआ, तो ये इसमें दिखाना चाहिए था। ये टेक्निकल एरर हो सकता है, ये कोई टेक्निकल इश्यूज हो सकता है, उसको आप लोग यूं समझ लो कि ब्लैंक शो करना कोई बहुत बड़ी एडमिशन को लेके आपकी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। और एक मेरा तो को हमेशा पिछले 3 सालों से मेरा कमेंट रहता है, भाई आपका एडमिशन कोई कैंसिल नहीं कर सकता जब तक कोई मेजर फॉल्ट ना पाया जाए, और ये सब कोई फॉल्ट है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज समझ गए आप लोग। अब अपग्रेड के मेथड को थोड़ा सा और डीपली समझते हैं एक एग्जांपल लेके कि वो कैसे वर्क करता है। सपोज कि पहली बात तो आप समझ गए कि राउंड वाइज आपका अप होता है। एक लड़का है जो कि 270 नंबर पाया, सपोज कोई भी कोर्स का हो, चाहे बीएससी का हो, बीएलएलबी का हो, बीकॉम का हो, आप एक स्केल समझ लो 270 पे, ठीक है, 270 पे एडमिशन मिल गया इसको फाइनली, और ये प्रेफरेंस मिला इसको 7। और एक बच्चा है 265 पे, ठीक है, और इसको मिल गया 6, लेकिन ये मिला एफएमसी में, ठीक है, और ये मिला एमएमबी में, ठीक है। ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, ये मिला एफएमसी में, ये मिला एमएमबी में, सेम अलग अलग मार्क्स पे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये जो बच्चा है, ये जो 7 प्रेफरेंस का एफएमसी में बच्चा है, जब तक ये पर्टिकुलर उस ऑनर्स में, सपोज ये हिस्ट्री ऑनर्स का बच्चा है, ठीक है, ये हिस्ट्री ऑनर्स का बच्चा है, किसका, हिस्ट्री ऑनर्स का। अब आपका अपग्रेडेशन उस पर्टिकुलर ऑनर सब्जेक्ट्स में अपग्रेड होना है, ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री का ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी का फ्रेंच में, आप ज्योग्राफी का ज्योग्राफी में ही अपग्रेड करोगे। अब ये हिस्ट्री का लड़का है, अगर 270 वाला सीट छोड़ेगा तब 165 इसको रिप्लेस करेगा, और इसके नीचे जितने मार्क्स वाले बच्चे होंगे वो एज इट इज अपग्रेड कर जाएंगे। ध्यान देना कि कोई बच्चा अगर 272 पे बैठा होगा तो वो अपग्रेड नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके नीचे वाले ने सीट छोड़ी थी, तो नीचे वाला बच्चा घसक के जाएगा। अगर इसके ऊपर कोई, यानी 280 पे कोई अगर सीट छोड़ देता, 280 पे कोई सीट छोड़ देता, तब ये 72 वाला भी रिप्लेस कर जाता। सपोज कि पहला नंबर का लड़का अगर अपना रिप्लेस कर दे, फर्स्ट प्रेफरेंस मतलब फर्स्ट टॉपर ज्योग्राफी का पहला लड़का जो है वो अगर सीट छोड़ दे तो पूरा ज्योग्राफी कॉम्बिनेशन अपग्रेड कर जाएगा। अब अपग्रेड अगर करा, मान लो कि अब ये लड़का जो मैं बताया था, जो लड़की है ये एमएमबी में है, ये बच्ची एमएमबी में, अब अगर ये बच्चा छोड़ेगा तो ये अपग्रेड करके एफएमसी में चला जाएगा, ये बच्ची जो है वो किस में चली जाएगी, एफएमसी में चली जाएगी। तो इससे आप लोग बाकी कॉलेज का भी देख लो। अब कोई बच्चा बीकेएम, यहाँ पे मान लो बीकेएम होता और यहाँ पे एमएमबी होता, तो सेम एमएमबी का जब कोई बच्ची अपना सीट छोड़ेगी तब ये बच्चा अपने आप अपग्रेड होकर इसमें चला जाएगा। राउंड्स जैसे जैसे अब आगे बढ़ेंगे, 5वां 6ठा जैसे जैसे राउंड्स आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि टॉपर्स के अपग्रेडेशन के चांसेस बढ़ेंगे। और हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अभी ये टॉपरों का भी अपग्रेड होगा, कब होगा उसका मैं एक अलग वीडियो दूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो आप सभी को अभी तक पता नहीं है, और ये मेरा लॉजिक कहता है कि ऐसा कंडीशन जरूर क्रिएट होगा। अभी तो ये सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा है ना, क्योंकि अभी आपसे बस कमिटमेंट फी ली गई है, बाकी के पेमेंट जिस दिन डिस्प्ले हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे जो है एडमिशन छोड़ के भागेंगे। इलाहाबाद जिस दिन अपना एडमिशन खोल देगा, बहुत सारे बच्चे टॉपर भी जा सकते हैं। आपको मैं बता दूं, एक सरप्राइज न्यूज दे देता हूं, फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट था वो सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट से बहुत ज्यादा कम है। सपोज कि यहाँ पे 100 बच्चों को अलॉटमेंट भेजा गया और यहाँ पे भी 100 बच्चों को अलॉटमेंट भेजा गया, इसमें 50 बच्चे ही पेमेंट किए, लेकिन इसमें 80 बच्चे पेमेंट किए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब बीएचयू का फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट चल रहा था तो उस समय एज पर डीयू का भी कट ऑफ आ चुका था, तो जो टॉपर थे वो डीयू भाग गए। यही रीजन है कि सेकंड में ये चीजें इंप्रूव हुई हैं। इसका एक्सप्लेनेशन मैं सेपरेट वीडियो में दूंगा, अच्छे समझना, मैं डेटा के साथ दूंगा आपका, ठीक है। तो अभी तो हम लोग अपग्रेडेशन को समझ रहे हैं, ये अपग्रेडेशन का मैथड आप लोग समझ गए होंगे। तो अब ये जानो कि चांसेज हैं नहीं कि अपग्रेड होने के। जैसे ये बच्चा जो है 7th नंबर का प्रेफरेंस पाया हुआ है, 7वां नंबर का प्रेफरेंस पाया है, जाहिर सी बात है अभी ऐसे बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन आएंगे जिससे कि ये पक्का अपग्रेड होके तीसरे चौथे पे जा सकता है। लगभग हर एक बच्चा, जहां तक मुझे अभी तक कैलकुलेट मैं कर पा रहा हूं, हर एक बच्चा आने वाले राउंड्स में अपग्रेड करेगा ही करेगा, क्योंकि एक बच्चा बस घसकेगा ना तो अपग्रेड हो जाएगा। एक बच्चा भाई, इस पर्टिकुलर एक लड़का एडमिशन अगर 217 छोड़ता है, ये पूरा चेंज हो जाएगा।
ज्योग्राफी में किया, हिस्ट्री में किया, पॉलिटी में किया, पूरा बस जो बच्चा सीट छोड़ रहा है ना वो टॉपर होना चाहिए, वो ऊपर का होना चाहिए, क्योंकि जहां से सीट छोड़ता है उसके नीचे अपग्रेड बच्चे आते हैं, उसके ऊपर वाले एजुकेटिव शांत पड़े रहेंगे। तो ये अपग्रेडेशन का मेथड है बेसिकली। इसमें जो कॉमन क्वेश्चन आप लोग के थे कि अपग्रेड होता है कि नहीं, तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा रहती है। मैं अपने टाइम पे सेवंथ प्रेफरेंस पाया था, इसलिए बार बार एग्जाम्पल सेवंथ का ले रहा हूँ, और मेरा जो एडमिशन हुआ है सेकंड प्रेफरेंस पे हुआ है। मैं जब मैं आप लोग के टाइम पे यूजी दिया था तो मुझे सेवंथ प्रेफरेंस मिला था, और लगभग 5-6 दिन बाद मेरा अपग्रेड होकर सेकंड नंबर मिल गया था, जबकि मैं एडमिशन के पहले दिन का बच्चा था, मतलब बिलोंग्स टू टॉपर्स मार्क्स में था। उसके बाद भी मुझे इतना समय लगा था, तो जाहिर सी बात है ये बच्चे भी अपग्रेड होंगे, समय लगेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो आप लोग के थे कि डिग्रेड तो नहीं होता, बैक नहीं जा सकते हो, ठीक है, कांट बी बैक, डिग्रेड नहीं होता है, अपग्रेड होता है, आप बैक नहीं जा सकते हो। और कभी ऐसा भी नहीं होगा कि आपको पांचवा मिला था और फोर्थ राउंड में आपको ये घट के मिल गया दसवां, ऐसा नहीं होगा, हमेशा अपग्रेड, हमेशा अप होता है, या तो वही रहेगा या तो अपग्रेड हो जाएगा। अब एक बच्चों का कहना था कि सर हम नहीं कुछ करेंगे तो क्या होगा लास्ट में, इनकी जो सिस्टम होती है ऑटोमेटिकली आपको सबसे प्रिफरेंस ऊपर ले जाते ले जाते ले जाते छोड़ देगा। अगर आप एडमिशन कमेटी को एकदम बोलोगे नहीं पेमेंट करने की बात ना, तो भी आपका अपग्रेड होता ही रहता है वो, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली लगा होता है, वो अपग्रेड होता ही रहेगा। और फाइनली जब इनमें पूरा लास्ट में एडमिशन लेटर देना होता है, जो एडमिट कार्ड जिसको बोलते हैं, तो वो अपने ऑटोमेटिकली सबको लॉक कर देंगे, जो बच्चे नहीं लॉक किए उनको भी लॉक कर दें। तो ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है जो आप लोग को नहीं पता होगा तो आप लोग समझ लो। फाइनली अब साइंस के बच्चों के लिए भी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, साइंस के बच्चे एज इट इज फॉलो कर सकते हैं, उनका भी सेम इसी तरीके से होता है, सब्जेक्ट्स बेसिस पे होता है, स्टैट्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस बेसिस पे होता है। देखो ध्यान देना, ज्योग्राफी, आर्ट्स, सोशल और साइंस सबका सब्जेक्ट्स है, तो ये उसी तरीके से अपग्रेड होगा जैसा मैंने अभी आपको बैक में समझाया, सेम प्रोसेस सबके लिए है, बस सिंगल्स ऑनर्स सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है। जैसे बी एल एल बी के लिए कोई मतलब नहीं है, शास्त्री के लिए है, बी एल एल बी के लिए इसका मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें सॉरी एक ही टॉपिक, एक ही सब्जेक्ट होता है। सो फाइनली प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को शेयर कर दें, मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई प्रॉब्लम है ना तो देखो यहाँ पे मैंने इंस्टा आईडी लिखा हुआ है निर्दर्शन, आप यहाँ पे जाके इससे संबंधित टॉपिक पे अपनी प्रॉब्लम कर दो। बेसिकली आपको आईडी फॉलो करना है, नेम और कोर्स मेंशन करके अपनी प्रॉब्लम मेंशन करना है, और उसके बाद मुझे जब नहीं समझ में आएगा तो मैं खुद ही बोलूंगा आप मुझे कॉल करो, ठीक है, आप मुझे कॉल करना, मैं बात करके आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूंगा। मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव।